हम जब दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी चीज है वो लॉन्ग है और कौन सी चीज है जो शॉर्ट है। हम जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब कैसे पता चलेगा कि ये लॉन्ग है या शॉर्ट है? अगर उसकी कंपैरिजन में कोई दूसरा आता है तो पता चलेगा कि ये लॉन्ग है या शॉर्ट है। अब मैंने उसके पास एक और लाइन ड्रॉ कर दी, तो सी दिस इज अ लॉन्ग लाइन एंड दिस इज अ शॉर्ट लाइन। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। वैसे ही अगर हम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि वो लॉन्ग है या शॉर्ट है तो उन दोनों की कंपैरिजन की जाती है। कंपैरिजन के बाद ये रिजल्ट आता है, पता चलता है कौन सी चीज है लॉन्ग है और कौन सी चीज शॉर्ट है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ बैलेंस। यहाँ पे टेबल है, क्वेश्चन है, हाउ मैनी कप बी प्लेस इन लाइन ऑन दिस टेबल। टेबल पे है जो लाइन है ये कप है, हाउ मेनी कप यानी यहाँ तक अगर हम कप को सेट करें तो टोटल कितने कप आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 यानी कि 7 कप्स यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि ट्री है और ट्री के नीचे कुछ पॉट्स रखे हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांचेस। अगर हम इस पॉट को सेट करें और ट्री की ब्रांचेस तक जाए तो यहाँ पे कितने पॉट हमें सेट करने हैं? 1 पॉट 2 पॉट और यहाँ पे है 3 and 4। तो ट्री की ब्रांचेस तक पहुंचने के लिए हमें 4 पॉट्स की जरूरत है। और नेक्स्ट टॉपिक की मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर। जब 10 मिलीमीटर मेवर एक साथ मिलते हैं तब बनता है 1 सेंटीमीटर और जब ऐसे 100 सेंटीमीटर मिलते हैं तब बनता है 1 मीटर और ऐसे ही 1000 मीटर को हम जब कलेक्ट करते हैं तब बनता है 1 किलोमीटर। ये एक मेजरमेंट है। अब ये हम स्केल से स्टूडेंट्स आपकी बुक में भी एक स्केल दी गई है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ मेज़र करना है तो उसको यहाँ 1 से स्टार्ट कर देते हैं, बट ये गलत है। अगर कोई भी चीज़ आपको मेज़र करनी है तो वो 0 से स्टार्ट कर होती है। जैसे कि हम अभी पेन को मेज़र करते हैं तो ये हमने 0 पे रख दी और इसका कितना, ये 14 सेंटीमीटर की है ये। अब ये 0 से लेके 1 तक इसे हम 1 सेंटीमीटर बोलेंगे और 1 से 2, 2 सेंटीमीटर, 2 से 3, 3 सेंटीमीटर ये सारे सेंटीमीटर्स हैं। और इन सेंटीमीटर के बीच में मैंने जैसे आपको अभी बताया 10 मिलीमीटर है। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये 10 मिलीमीटर है और ये 10 मिलीमीटर जब एक साथ मिलते हैं तो तब बन जाता है 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर हम 1, 2, 3, 4 ऐसे ही 100 सेंटीमीटर को एक साथ करेंगे तो वो बन जाएगा 1 मीटर। ऐसे ही हम ऐसे 1000 मीटर्स को एक साथ करेंगे तो बन जाएगा 1 किलोमीटर। और यहाँ पे थोड़े और भी एग्जांपल दिए गए हैं। द स्मॉल स्केल दैट यू मोस्टली यूज इन द स्कूल इज लाइक दिस वन। देखिए यहाँ पे जैसे एक छोटी सी हुक है वो 1 सेंटीमीटर की है, यहाँ एक पिन है वो 2 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। वैसे ही आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे थिंग्स होंगे, उसको आपको मेज़र करना है। अभी हमने बहुत सारे मेज़रमेंट के बारे में देखा, तो हर एक चीज़ के लिए अलग मेज़रमेंट होता है। जैसे कि ये 0 से 1, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर किसी चीज़ को हमें मेज़र करना है तो उसके लिए हमें अलग अलग चीज़ों को मेज़र करना है, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स,
वैसे ही सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए अलग अलग मेज़रमेंट होते हैं। जैसे कि हमें एक बच्चे की हाइट को मेज़र करना है, तो इस बच्चे की हाइट को हम मीटर से मेज़र करेंगे। अब जैसे कि हमारे हाथ का ये जो नेल है, नेल को हम कैसे मेज़र करेंगे, तो सेंटीमीटर, क्योंकि नेल की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, तो उसे हम सेंटीमीटर से मेज़र करेंगे। वैसे ही अगर देखो, जैसे कि हमारे मम्मी की साड़ी है, अगर उसको हमें मेज़र करना हो, तो जैसे कि एक सेंटीमीटर तो इतना ही होता है, 0 से 1 एक ही सेंटीमीटर होता है। अगर मम्मी की साड़ी हमें मेज़र करनी है तो 1, 2, 20, 30 बहुत सारे सेंटीमीटर होंगे, बट वो मेज़र करना इतना ईजी नहीं होगा। इसीलिए 1 से लेके 100 सेंटीमीटर कहा जाता है 1 मीटर। 1 मीटर हो गया, तो अगर हम मीटर से मेज़र करेंगे, जैसे कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो ईजी रहेगा। वैसे ही साड़ी को हम मीटर से मेज़र करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको आपके मम्मी आपके घर से स्कूल तक जाना है, तो हम मेज़र करेंगे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होगी। इसीलिए 100,000 मीटर को 1 किलोमीटर कहा जाता है। तो अगर किसी प्लेस का किसी प्लेस से डिस्टेंस हमें मेज़र करना है, तो इसके लिए हम किलोमीटर चूज़ करेंगे। वैसे ही अलग अलग चीज़ों के लिए, अगर कोई चीज़ छोटी है तो उसके लिए सेंटीमीटर, अगर कोई चीज़ थोड़ी, मतलब जैसे कि कोई दुपट्टा साड़ी, उसके लिए हम मीटर चॉइस करेंगे। अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, तो उसके लिए हम मीटर को चॉइस करेंगे।